कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। मकर संक्रांति करीब आते ही लोग तिलकुट, तिलवा व लाई को याद करने लगते हैं। लोग सामूहिक रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। खासकर तिल से बने व्यंजन का प्रयोग तो पूरे देश भर में किया जाता है, मसलन तिनके लड्डू, तिलकुट और गच्चक इत्यादि। बिहार झारखंड में इस दिन को दही चूड़ा, तिलकुट और गुड़ से बने कई तरह के लड्डू खाने की परंपरा है। हालांकि तिल से बने ये सभी उत्पाद दूसरी जगहों पर भी बन सकते हैं, कई जगह बनते भी हैं, पर बात जब तिलकुट की हो तो गया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गया के तिलकुट की सौंधी महक ही इसकी पहचान है। गया के तिलकुट की मांग प्रदेश से बाहर भी है और लोग इसे लेकर यहाँ से जाते हैं। गया में मुख्यतः चीनी और गुड़ से बनने वाले तिलकुट उपलब्ध होते हैं। वैसे चीनी वाले का ही उत्पादन ज़्यादा होता है, पर गुड़ वाले तिलकुट की भी मांग कम नहीं है। बनाने में चीनी को घानी होता है, चीनी को घानी कर पट्टी चाड़ कर हम लोग तिल में गलाते हैं। तिल में गला के तिल के साथ इलायची, चीनी और तिल मिलाकर तिलकुट तैयार करते हैं। एक तिलकुट बनाने में कितना समय लग जाता है? एक तिलकुट बनाने में कम से कम लगभग एक घंटा का समय लग जाता है, चीनी पट्टी तिल मिलाकर सब ओके करके। मकर संक्रांति बदलते मौसम का उत्सव है। संक्रांति का अर्थ होता है गमन। धनु राशि से मकर राशि में सूर्य का जाना ही संक्रांति है। मान्यता है कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तब शुभ फल देते हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही खाने की भी परंपरा रही है। भागलपुर का कतरनी चूड़ा सिर्फ राज्य में ही नहीं पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यह चूड़ा बहुत ही सुगंधित होता है और खाने में स्वादिष्ट होता है। कतरनी उत्पादन के लिए भागलपुर के जगदीशपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर के तारापुर, बांका के रजौन, अमरपुर एवं जमुई के कुछ खास क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। भागलपुर, मुंगेर व बांका के कतरनी विशेष क्षेत्र जगदीशपुर, अमरपुर, रजौन, तारापुर आदि में 750 एकड़ भूमि में कतरनी की खेती होती है। केवल भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में ही 496 एकड़ भूमि में कतरनी की खेती होती है। चूड़ा विक्रेता ने बताया कि वह सीधे किसान से बिना मिलावट वाला कतरनी धान लेते हैं, कुटाई खुद से करवाते हैं। मिल में चूड़ा तैयार होता है, इसलिए यह 100% शुद्ध होता है। चूड़ा चावल दोनों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते थे कि जगदीशपुर का कतरनी चावल और चूड़ा नाम ही होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ चावल चूड़ा लेने आए। किसी से सुना हुआ था? हाँ, आप कितने बार आए हैं यहाँ? बराबर जब इधर इस होकर गुजरते हैं तो चावल चूड़ा खरीद लेते हैं। अच्छा, नाम ही है? हाँ, नया नाम ही है। क्या क्वालिटी में? कुछ क्वालिटी ठीक ठाक। पूर्णिया में भी मिलता होगा? हाँ, पूर्णिया में भी मिलता। ओरिजिनल नहीं मिलते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ भी मिलती है ओरिजिनल। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, यहाँ से ही जाता है, मिलती है। महंगा क्या रेट में? कुछ अंतर? रेट में कुछ अंतर हो जाएगा। चूड़ा और चावल जो बनते हैं कहाँ से आप लोग लेते हैं दुकान में? यहाँ के गांव जितना भी है हम लोग किसान से खरीद करते हैं। ओरिजिनल कतरनी, बिना मिलावट वाला कतरनी धान लेते हैं, फिर उसका कुटाई अपने से करवाते हैं। मिल में चूड़ा तैयार होता है और फिर सुखा के उसका धान का चावल तैयार होता है, उसी करके बेचा जाता है। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस है कि ये 100% शुद्ध कतरनी चूड़ा चावल है। तो शुद्ध जो चूड़ा और कतरनी चावल यहाँ बेचते हैं, तो कब से दुकान आप बेच रहे हैं दुकान में? लगभग 3 साल से। 3 साल से क्या दुकानदारी का क्या है? बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, जो जो टाइम हो रहा है, अपना एक विश्वास जमा रहे हैं, लोगों में एक विश्वसनीयता पूरी है कि शुद्ध इस दुकान में चूड़ा और चावल मिल रहा है।